मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में करीब 360 करोड़ की लागत से बनने वाले गड़ा डैम परियोजना डूब क्षेत्र में आने वाले करीब 9-10 गांव के प्रभावित किसान पुरुष एवं महिलाओं ने हजारों की संख्या में बैतूल कलेक्टर परिसर में धरना प्रदर्शन किया और कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मांगे पूरी करने की गुहार लगाई। किसानों का आरोप है कि किसानों के द्वारा उचित तथा जायज मांगों को सरकार नजरअंदाज कर डैम को स्वीकृति दी गई, जिसके कारण क्षेत्र के किसानों में आक्रोश है। प्रभावित क्षेत्र के किसानों की बातों को शासन तथा प्रशासन के द्वारा कभी भी गंभीरता से नहीं सुनी गई, जिसके कारण क्षेत्र के किसान खुद को ठगा और पीड़ित महसूस कर रहा है। किसानों का कहना है कि वर्ष 2011 से निरंतर प्रदर्शन के माध्यम से मुख्यमंत्री को कई बार ज्ञापन सौंपा गया। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को आश्वासन दिया था कि किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन आश्वासन के बाद भी मांगों को लेकर निष्पक्ष जांच कर विचार नहीं किया गया। शुरू से निवेदन है शासन प्रशासन से कि जो गढ़ा डैम की जो जमीन है वो 100% सिंचित और उपजाऊ जमीन है। हम इसका सदा से विरोध करते आ रहे हैं। हमारे क्षेत्र की गाइडलाइन के रेट बहुत कम है, विगत 10 सालों से उसके रेट नहीं बढ़े, जिसलिए उसका रेट भी कम है। और 100% सिंचित जमीन पर डैम बनाने का कोई औचित्य नहीं है। हमारे किसान एक गन्ना लेके आए हैं, वो लगभग 10 फीट का हमारी जमीन का है, 16 फीट से ऊपर लगभग 16 फीट का गन्ना है। इतनी उपजाऊ जमीन को आप अगर डैम में डुबाते हो तो निश्चित रूप से शासन प्रशासन का भारी नुकसान है। और जो ई साहब डेहरिया जी ने जो उस दिन आश्वासन दिया, इसके पहले 8 दिन पहले उसी कलेक्ट्रेट में जब किसान लोग आए थे तब उन्होंने स्पष्ट कहा था कि यहाँ पर बैराज बन रहे हैं और ना ही ये किसी कानून प्रक्रिया को मान रहे, न पंचायत की किसी भी पंचायत का इन्होंने प्रस्ताव नहीं लिया है कि हम इनकी अनुमति ले रहे हैं। एक तो बिना किसान की अनुमति के डैम बना रहे हैं, उसके बाद में मुख्यमंत्री जी जब खेड़ी आए थे तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि बिना किसान की सहमति के डैम नहीं बनेगा और किसानों को मन माफिक मुआवजा मिलेगा। हम लोग चाह रहे हैं कि डैम एक तो नहीं बनाया जाए, हमारी सिंचित उपजाऊ जमीन को नहीं डुबाया जाए, और उसके बाद में सरकार से उम्मीद है कि अगर बनाती है तो बैराज बनाए या तो हमें 4 गुना मुआवजा दिया जाए। बैराज नहीं बनाना चाहिए, बैराज बनाया जाए। डैम से ज्यादा पानी बैराज में रुक रहा है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा। आर्ट इंडिया न्यूज के लिए बैतूल से अखिलेश यादव की रिपोर्ट।